इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MDH। नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं हूं श्री शुक्ला, सत्यमेव जयते में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लहरों के डरने से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ किए बिना यूं जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी हाँ, जो कोशिश नहीं करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती। क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि एक मुकाम ऐसा है कि आपको कुछ मोर्चे हारने पड़े, लेकिन आपको जो तजुर्बा मिलता है वो तजुर्बा नायाब होता है। चाहे वो जीत का तजुर्बा हो, चाहे वो हार हो, वो आपको कुछ दे के जाता है, जीवन में कुछ सिखा के जाता है। तो ज़िंदगी की लड़ाई में जो कोशिश करते रहते हैं वो इस ज़िंदगी के कुछ मोर्चों पर हार सकते हैं, विफल हो सकते हैं, लेकिन वो अंततः युद्ध जीतते हैं। और युद्ध जीतने के लिए जो मादा चाहिए वो अपने अंदर के सच से आता है। जब आप अंदर से सच्चे होते हैं, जब आपके साथ सच की ताकत होती है, जब आपके साथ सच लोगों को दिखाने की हिम्मत होती है, जब आपके पास सच बोलने की वो एक तरबियत होती है जो आपको बचपन से मिली होती है, तो आप अंततः युद्ध जीतते ही हैं। और जब आप युद्ध जीतते हैं तो फिर आपके जो नाम है, आपके नाम के आगे विजेता लिखा जाता है और आप इतिहास में दर्ज होते हैं। और जो इतिहास में दर्ज होते हैं उनके साथ ये भी जुड़ा होता है कि सत्यमेव जयते। निकाय चुनाव के दौरान बाराबंकी में पुलिस वाले गुंडागर्दी करते कैमरे में हुए कैद। कानून व्यवस्था मेंटेन करने के नाम पर पलट दी मेज और कुर्सी मेजों पर बरसाई लाठियां। क्या किसी साजिश के तहत मोहल्ले में दहशत पैदा कर रही थी पुलिस? मथुरा में दो अलग अलग हादसों में दो बाइकर्स की मौत, दो गंभीर रूप से जख्मी। हेलमेट ना पहनने से युवकों की गई जान। क्या बाइक के टशन में युवक नहीं लगाते हेलमेट और चढ़ जाते हैं मौत की भेंट? बाराबंकी में पुलिस ने अपनी लाठियों से दहशत फैला दी। पीर बतावान वार्ड 26 में पुलिस हल्ला करती हुई, गालियां देती हुई और दाखिल हुई। लाठियां ऐसे लहरा रही थी जैसे सर्कस में आए हों, और पुलिस वालों का गुस्सा निकल रहा था लोगों पर और लोगों से ज़्यादा कुर्सियों पर। तस्वीरें देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस वाले आखिर करना क्या चाहते हैं। कुर्सियों और मेज़ों को उलटने और उन्हें तोड़ने, धमकाने वाले शब्दों के साथ किस तरह से दहशत फैला रहे हैं। शायद ऐसी दहशत तो वो लोग भी नहीं फैलाते होंगे जो बूथ लूटने आते हैं। पोलिंग एजेंटों पर भी लाठियां भाजी गई, लेकिन माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस इलाके में इतनी दहशत फैलानी है कि कोई आम आदमी भी अपने घर से बाहर ना निकले, और निकले तो 10 बार सोचे। ऐसा लग रहा था जैसे कुर्सियों और मेज़ों ने दंगा फैला रखा और ये पुलिस वाले दंगा नियंत्रण करने निकले हों। ये खबर आज के चुनाव में खबरों की तरह निकली, लेकिन हमने जब खबर को देखा तो लगा कि ये लोकतंत्र है या फिर डंडा तंत्र है। लोकतंत्र, और आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, यानी कि निकाय चुनाव में वोटिंग हो रही थी। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है,
और सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, जहां पर अमीर से लेकर गरीब एक लाइन में खड़ा होता है और वो अपने हथियार का प्रयोग करता है, और जहां पर तबके के सबसे आखिरी व्यक्ति के पास जो ताकत होती है वही सबसे अगड़े आदमी के पास भी ताकत होती है। लेकिन आज इस लोकतंत्र के उत्सव के दिन जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा वो सोचने पर मजबूर कर गया कि आखिरकार इसके पीछे की मानसिकता क्या है, मेंटेलिटी क्या है, क्या कोई ये साजिश है या फिर कहीं से कुछ ऑर्डर्स आए हैं जो लोकतंत्र को कहीं पर धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और 1947 15 अगस्त को जो हमें आज़ादी मिली, उस आज़ादी के बाद जो संविधान बना, उस संविधान में इस तरह के दृश्यों का उल्लेख नहीं है। और इसलिए उल्लेख नहीं है क्योंकि इस तरह के दृश्य ना संविधान बनाने वालों ने सोचे होंगे, ना कानून बनाने वालों ने सोचे होंगे, और जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी वो भी इस तरह के दृश्य शायद ही अपने जहन में रखते हों, क्योंकि वो लोग तो फांसी के फंदे पे झूल गए या आज़ादी देखने से पहले इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इस लोकतंत्र के उत्सव में पुलिस ने जिस तरह से एक्शन लिया वो सोचने पर मजबूर करता है, सोचने के लिए हमको बहुत संजीदगी से सोचने के लिए हमको कहता है कि आखिरकार ये पुलिस के अंदर इतनी तेज़ी कैसे आ गई कि वो कुर्सी और मेज़ों पर लाठियां फटका रही थी और मेज़ें और कुर्सियां तोड़ रही थी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हर फेज़ में पुलिस एक्शन में रही, इस ये एक फैक्ट है। प्रतापगढ़ में 22 नवंबर 2017 को निकाय चुनाव में वोटिंग के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था। कुंडा के भीर भवन पोलिंग बूथ पर सभासद प्रत्याशी को पीटा गया। कानपुर में 2017 मछरिया इलाके में 63 में पुलिस ने किया लाठीचार्ज, ईवीएम की शिकायत हो रही थी, बल प्रयोग किया। बहराइच में 27 फरवरी 2017 को भी इसी तरह की खबर हुई, लाठीचार्ज करके पुलिस ने भगाया उनको मौके से। इलाहाबाद 1 अक्टूबर 2016 छात्र संघ चुनाव के दौरान, यहाँ पर कभी कभी हिंसा होती है और इसको इसमें छात्र जो है वो कभी कभी उपद्रव करते हैं, तो पुलिस को इस तरह का काम करना पड़ता है। और जिस तरह की आज हम जिक्र कर रहे हैं उन दृश्यों को देखकर लगता है कि आखिरकार इस पुलिस को हो क्या गया था। और मैं इन्वेस्टिगेशन में बताऊंगा कि मतदान की जो तैयारियां होती हैं वो किस तरह से होती है। पुलिस सेंटर के 200 मीटर के दायरे में शस्त्र लेकर प्रवेश पर रोक होती है, निषेधाज्ञा का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सेक्टर अधिकारी मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं, बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के बल प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है इन दृश्यों को देखने के बाद, जिस तरह के वो लोग जिन हाव भाव था, जिस तरह से कुर्सियों को मार रहे थे, आखिरकार लगता ये था कि आखिर कुर्सियों की क्या कसूर है। संवेदनशील पोलिंग सेंटर्स पर ड्रोन से भी नज़र रखी जाती है, पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है। और चुनाव में जो पुलिस का रोल है वो मतदाता को शुचिता पूर्वक संपन्न कराने का दायित्व होता है, यानी कि मित्र पुलिस तभी होगी जब वो इस लोकतंत्र के उत्सव को जनता के साथ मिलकर मनाएगी, ना कि लाठियां चला के और मेजें उलटकर। कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भी पुलिस की होती है, पुलिस को नहीं होता किसी आरोपी को सज़ा देने का हक, यानी कि आप लाठी चार्ज बिना मतलब के नहीं करने लगेंगे। आरोपी को मारने पीटने पर पुलिस को भी सज़ा हो सकती है और पुलिस बिना लिखित अनुमति के लाठीचार्ज नहीं कर सकती है। दहशत फैलाना, लाठीचार्ज करना और मतदान को प्रभावित करना भी गलत है। ये भी अपने आप में एक फैक्ट है कि अगर आप दहशत फैलाएंगे तो लोग वोट के लिए कैसे निकलेंगे। वोट की एक पुरानी रणनीति है, सियासी रणनीति है ये। इन दृश्यों को देखकर तो यही लगा कि सियासत में 90 के दशक जैसी रणनीति दिखाई दी। अभी के निकाय चुनाव 90 के दशक की याद दिलाते हैं कि वोट हथियाने के पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल किया जाता था। पार्टियां प्रत्याशी रसूख के बूते पर मतदान प्रभावित करते थे। विधानसभा चुनाव में दूसरे जिले की पुलिस होती थी तैनात और निकाय चुनाव में उसी जिले की पुलिस को तैनात किया जाता है। तो ये जो सियासी एक मंसूबा होता है कि एक बूथ पर इतनी दहशत फैला दो कि लोग खुद ही वोट करने ना निकलें, और जो दृश्य हमारे सामने थे वो दृश्य ये बताते थे कि कहीं ना कहीं इस पूरी कवायद के पीछे कोई एक शक्ति काम कर रही है और उसने कहा है कि वहाँ पर आप इस तरह का बल प्रयोग कीजिए कि वहाँ दहशत फैल जाए। क्योंकि कुर्सियों को तोड़ना, आप सोचिए कुर्सियों की क्या खता थी, आदमी नहीं मार रहे थे आप, कुर्सियों की क्या खता थी। और कुर्सियों की
और मेज़ों की क्या खता थी और किस कानून में कुर्सी को के ऊपर लाठीचार्ज करने का नियम है। ये शायद अद्भुत और अविस्मरणीय दृश्य होंगे पुलिस के लिए और उनको शर्मिंदा होने की भी ज़रूरत होगी और डीजीपी साहब को भी सोचने की ज़रूरत होगी कि पुलिस आदमियों पर लाठीचार्ज करती है। मैंने पहली बार देखा कि कुर्सियों पर भी लाठीचार्ज करती है और मेज़ें पलटती है, तो ये दहशत फैलाने का काम पुलिस का था, वो भी चुनाव के दिन। तो सोचना डीजीपी को होगा, सोचना उस ज़िले के कप्तान को होगा और सोचना होगा सरकारों को कि क्या ये मानसिकता जब आगे बढ़ेगी तो किस तरह का रूप अख्तियार कर लेगी। पूरे मोहल्ले में दहशत फैलाई जा रही थी और ये एक बानगी है, और आप समझिए कि अगर गांव में इस तरह की स्थितियां होंगी तो किस तरह से पुलिस व्यवहार करती होगी। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों के मानसिक इलाज कराना चाहिए कि आप कुर्सियां तोड़ रहे हैं। ये जितने भी पुलिस वाले कुर्सियां तोड़ रहे हैं, इनका इनकी मानसिकता का इलाज होना चाहिए और इनको चिन्हित करके इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आपको इस तरह से दहशत फैलाने का कोई हक नहीं है। वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप दहशत फैलाएंगे और घूम घूम के लोगों को डराएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मथुरा में दो अलग अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा मथुरा के थाना बलदेव इलाके में हुआ, जहां बाइक सवार दो लोगों को ट्रक ने रौंद दिया। दोनों ही युवकों ने हेलमेट नहीं लगाया था, एक की मौत हो गई और दूसरा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। दूसरी घटना थाना राया इलाके के यमुना एक्सप्रेस पर हुई, इस हादसे में भी एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दो युवक नोएडा से लौट रहे थे और बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। एक युवक का सिर डिवाइडर से टकराया और उसकी मौत हो गई। यह घटना बहुत अहम भी है, दुखद भी है और लापरवाही को बताने वाली भी है। यह घटना बताती है कि अगर हेलमेट पहने रहते तो इस हादसे के बावजूद कम से कम जान तो बच सकती थी। और यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है, सबको ये बताया जा रहा है कि आप इस तरह से हेलमेट पहन के निकले, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो या फिर आप पीछे बैठे हो, सील्ड बेल्ट का उपयोग करें। लेकिन अब मामला पुलिस से हटके, पिछली खबर में हमने पुलिस की बात बताई थी, अब मामला पुलिस से हटके हमारे और आप पे आ जाता है कि अगर पुलिस ये कहती है कि आप हेलमेट लगाइए तो वो आपकी जान की सुरक्षा चाहती है। अब यहाँ पर एक सोसाइटी में अवेयरनेस की बात है जो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। हमें अपनी जानी की फिक्र नहीं है, हम सिर्फ स्टंटबाजी करने में शान समझते हैं, और जब जान चली जाती है तो समझ में आता है कि हेलमेट कितना कीमती था या सीट बेल्ट कितनी कीमती थी। और हमारे खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर शायद ही बहुत कम ज़िले ऐसे होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता, नोएडा ही शायद ऐसा ज़िला होगा जहां पर पूरी तरह से रेड लाइट, सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता होगा। बाकी जो 74 ज़िले हैं वहाँ पर तो हेलमेट पहनने का मतलब है कि आप कमज़ोर हैं, आप उतने शान शौकत से चलने वाले नहीं हैं, आप दबंग नहीं हैं। लेकिन इस दबंगई में कभी कभी आपकी जान चली जाती है, और ये बात घर वालों को भी सोचनी चाहिए। और सिर्फ सप्ताह चलाना, महीना चलाना यातायात का और चालान काट देने, इससे कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आप खोते हैं एक जान, एक कीमती जान आपकी चली जाती है जो शायद इसलिए नहीं बनी थी कि आप बिना हेलमेट के चलें और फिर आपकी जान चली जाए। आपकी जान इसलिए नहीं बनी थी कि आप शेखी भगा रहे और सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाएं और आपकी जान चली जाए। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, अपने घर वालों से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए। जब कोई दोस्त, कोई बेटा, कोई भाई या कोई पति इस दुनिया से सिर्फ इसलिए चला जाता है कि लोग बाद में बातें करें कि अगर इसने हेलमेट पहना होता, काश इसने हेलमेट पहना होता, तो जान नहीं जाती। डॉक्टर्स ये कहते हैं, बहुत छोटी सी बातें हैं जो हमें सुनाई पड़ती हैं, हमारे इर्द गिर्द इतनी घूमती हैं, लेकिन जब वो घटना होती है तो सोच विचार होता है, लेकिन फिर घर वाले सो जाते हैं, दोस्त यार सो जाते हैं, समाज सो जाता है। और आज ये खबर दिखाने का मेरा जो नज़रिया है वो यही है कि आपको झंझकोरें, हम आपको उठाएं, आपको समझाएं कि ये आपकी ज़िंदगी है और आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार करना आना चाहिए। बेवजह अपनी ज़िंदगी गंवाने का कोई मतलब नहीं है। और अब हेलमेट क्यों नहीं लगाते लोग, इसकी हम एनालिसिस करते हैं। हेलमेट ना लगाना बहुत ख़तरनाक है। 2016 में हेलमेट ना लगाने की वजह से हर रोज़ 28 मौतें हुई। परिवहन विभाग के ओर से जो आंकड़े जारी किए गए, हादसों में मौत की सबसे बड़ी वजह हेलमेट ना पहनना था।
हर 5 में से एक शख्स की मौत हेलमेट ना लगाने से हुई। 2016 में 10,135 लोगों की हेलमेट ना लगाने से मौत हुई, 10,135। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, इस फिगर को सोचिए, 10,135, यानी एक साल में 10,135 परिवारों ने ये दंश झेला, ये दुख झेला, ये तकलीफ झेली, और सिर्फ एक हेलमेट की वजह से। यूपी में सबसे अधिक 3,818 मौतें हेलमेट ना लगाने से हुई। ये 3,000, 1965 का अगर युद्ध की बात करें तो पूरे युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे उनकी संख्या 3,000 थी। आप सोचिए, आप सड़क पे बिना हेलमेट लगाए हुए इसलिए मर रहे हैं, उतनी तादाद में मरे जा रहे हैं जितनी तादाद में युद्ध में लोग मरते हैं। तमिलनाडु में 1946 और महाराष्ट्र में 1113 लोगों की मौत हुई। हेलमेट लगाने से हादसे में बचने वालों की जो संभावना है, ये यूएन की रिपोर्ट कहती है कि 42% बढ़ जाती है, यानी आपकी जिंदगी की सेफ्टी 42% बढ़ जाती है। ये आपको समझने की जरूरत है, और ये आंकड़ा मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप समझिए कि जिस चीज को लगाने से आपके हल्की सी चोट लग जाती है, आपकी सुई लग जाती है, कितना दर्द होता है, आप फौरन बैंडेड बांधते हैं। तो इस तरह हेलमेट भी पहनना सीखिए, आपकी जिंदगी बढ़ेगी। आप बीमार पड़ जाते हैं, आप तुरंत डॉक्टर के यहां भागते हैं, क्यों भागते हैं जब इतने लापरवाह हैं? पड़े रहिए, आप मत खाइए एंटीबायोटिक, मत जाइए डॉक्टर के पास, क्यों जाते हैं? क्योंकि जिंदगी कीमती है। लेकिन इस तरह से जान नहीं दी जाए, ये बता रहा है ये 42% का आंकड़ा। बाइक को सबसे असुरक्षित माध्यम माना गया क्योंकि हमारे यहां तो शेखी बगारना, 100 पे 120 पे गाड़ी चलाना बहुत अच्छा माना जाता है। बाइक सवार सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक है। बहुत सारे किस्से ऐसे हुए हैं, मामले ऐसे हुए हैं जिसमें बाइक्स जो हैं वो दूसरे को, पेडेस्ट्रियन को टक्कर मार दी, साइकिल वाले को टक्कर मार दी, खुद भी मरे और दूसरों को भी मारा। अब बात करते हैं कारों की। सीट बेल्ट ना लगाना भी खतरनाक होता है। हर रोज सीट बेल्ट ना लगाने से 15 मौतें होती हैं। 15, आप समझिए कि ये 15 मौतें, 15 बेशकीमती जान हम सिर्फ सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से खो देते हैं 15 लोगों। सीट बेल्ट ना लगाना हादसों में दूसरी एक बड़ी वजह होती है। 2016 के मैं अब आंकड़े बता रहा हूं, 5638 मौतें सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से। और मैंने आपको 1965 का आंकड़ा बताया कि कितने सैनिक मरे थे। इसमें सबसे अधिक 2741 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसलिए होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम कानून को मानते नहीं हैं। लगता है जो कानून को मानता है वो डरपोक है, जो कानून को मानता है उसकी समाज में इज्जत नहीं होगी, जो सीट बेल्ट नहीं लगाएगा उसकी इज्जत बढ़ती है। लेकिन अंत में परिवार को याद आता है कि अगर उसने ऐसा किया होता तो वो बच गया होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि नियम क्या है। ये नियम आपको इसलिए बताने पड़ रहे हैं क्योंकि इस बात के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं है। ये आपके अपने दिमाग के दरवाजे खोलने होंगे, घर वालों को भी सोचना होगा और ये देखना होगा कि हम नियमों पे नहीं, ये हमारे खुद की सुरक्षा की बात है। इस पुलिस कुछ नहीं करेगी, इसमें ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं करेगी, वो चालान काट देगी। लेकिन जब एक बार आपका परमानेंट चालान कट जाता है एक बेवकूफ़ी की वजह से, तो फिर सिर्फ घर वाले याद करते हैं, दुखी होते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि एक एक जान हमारे देश के लिए कीमती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 129, दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी है। कानून में पगड़ीधारी सिख समुदाय के लोगों को छूट दी गई है, हेलमेट नहीं पहनने पर 200 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। अब सोचिए, आप 200 रुपये का जुर्माना दे के छूट जाते हैं, लेकिन इतने बड़े रिस्क को आप अपने हाथ में लेके घूमते हैं। 200 रुपये के जुर्माने को देकर आप छूट जाएंगे, लेकिन किसी दिन ये जुर्माना की आदत डालना आपके ऊपर ही भारी पड़ेगा। दोबारा पकड़े जाने पर 500, बाइक पर सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपलिंग करना तो बहुत ही शान की बात है। और खासतौर पे युवा वर्ग को पता नहीं क्या दिक्कत है, वो जब एज बढ़ती है तब उसको समझ में आता है कि अरे मैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था। लेकिन आपकी अब जो IQ लेवल है वो बढ़ गया है, ये साइंस कहता है। तो IQ लेवल जब बढ़ गया है तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ ना करें। बाइक सवार दोनों लोगों के लिए हेलमेट ज़रूरी हो गया है, महिला और बच्चों के लिए भी हेलमेट ज़रूरी है। आपने देखा होगा एक साथ चार दो बच्चे आगे बैठा रखे हैं, 2 बच्चे पीछे बैठा रखे हैं। और 2 सड़क हादसों में जिस तरह से मौत हुई, और उसके बाद हमने इस खबर को दिखाया, और इस खबर को दिखाने की हमारी वजह ये थी कि
ये खबरें रोज आप टीवी में नीचे टिकर देखते हैं, जिसको आप पट्टी कहते हैं, वहां पे आप रोज देखते होंगे कि दो बाइक सवारों की मौत, गाड़ी से ऐसे मौत, वो सिर्फ एक पट्टी भर बन के रह जाती है। और क्योंकि यातायात का महीना चल रहा है, यातायात का सप्ताह चल रहा है, इन दिनों चालान भी आपके बहुत सारे होंगे, लेकिन बात यहाँ चालान की नहीं है, यहाँ बात चलने की है कि आप किस तरह से चलें। आपको सिखाने की ज़रूरत है। समाज में ये एक अजीबोगरीब सी स्थिति है कि पुलिस कह रही है कि आप अपनी जान बचाइए, और एक वर्ग ऐसा है जो कहता है हम तो अपनी जान नहीं बचाएंगे, हम तो जान हथेली पर लेके चलेंगे। लेकिन जान हथेली पर अगर लेके चलना हो है आपको, तो फिर माँ बाप ने आपके ऊपर कितना पैसा खर्च किया है। गांव से लोग शहर में आते हैं, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि शहर में आकर पढ़ने वाले जाने कैसे भूल गए, किसकी माँ ने प्यार में आकर कितने जेवर बेचे हैं। तो आप सोचिए माँ बाप के कितनी उम्मीदें हैं, आप माँ बाप के कितने सपने हैं। आप सिर्फ तेज़ गाड़ी चला के, बिना हेलमेट गाड़ी चला के, आप इन सपनों को मत तोड़िए, और तोड़ने से पहले एक बार अपने माँ का, पिता का, और वो राखी बांधने वाली बहन का चेहरा याद कीजिए, चेहरा देखिए। और जिनकी शादी हो चुकी है वो अपनी बच्चियों का चेहरा देखें, बेटों का चेहरा देखें, और अपनी पत्नी का चेहरा देखें, तो शायद उनको कानून से ज़्यादा ये असर कर जाएगा। और उम्मीद करते हैं इस खबर को देखने के बाद बहुत सारे लोगों में सुधार आएगा, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह के आंकड़े हमें उत्तर प्रदेश के मिले हैं, ये आंकड़े बहुत कम होते जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि ये आंकड़ा शून्य पे जाके रुके तो बहुत ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हीरो की। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर किसी से छिपा नहीं है। हालात यह है कि सरकारी स्कूलों में लगातार बच्चों की संख्या कम हो रही है। जहां बच्चे आते भी हैं वहां शिक्षक नहीं आते। ऐसे वक्त में हम आपको ऐसे शिक्षक से मिलवाते हैं जो अपने बुलंद हौसलों से धीरे धीरे ही सही, लेकिन सरकारी शिक्षा का कायाकल्प करने में लगा है। गांव में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई और सरकारी अस्पताल की दवाई वक्त पर नहीं लगती। सरकारी अस्पताल की दवाई का तो पता नहीं, लेकिन ये कहानी देखकर सरकारी स्कूलों के प्रति आपकी मानसिकता जरूर बदल जाएगी। स्कूल की सजावट, फर्नीचर और ये प्राइवेट स्कूलों जैसी लैब देखकर ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए। ये सरकारी स्कूल ही है जो अब बाकियों के लिए नजीर बन गया है, लेकिन इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। इसके पीछे एक स्कूल के प्रधानाध्यापक आशीष द्विवेदी का बुलंद हौसला, नई सोच, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत छिपी है। तो विज्ञान के लिए पढ़ाने के लिए संसाधन जुटाए गए हैं, और इसमें जो है एड्रेस भी हेडमास्टर साहब ने दी है, और फर्नीचर भी बनवाया है। हेडमास्टर साहब ने बहुत अथक प्रयास किया है और इस विद्यालय को बनाने के लिए जो है बहुत बहुत प्रयास किया, और हमारे अरविंद सिंह सेंगर भैया जो है ABRC हैं अकबरपुर में, उन्होंने बहुत प्रयास किया है। उनके प्रयास से हेडमास्टर साहब ने प्रयास किया और इस विद्यालय को बनाने के लिए बहुत अच्छा साधन जुटाया है। ये स्कूल कानपुर देहात के पिछड़े इलाके सरवन खेड़ा के मंगटा गांव में है, लेकिन स्कूल के प्रधानाध्यापक आशीष द्विवेदी के जज्बे ने स्कूल की तस्वीर ही बदल कर रख दी। ज्वाइन करते ही इन्होंने सबसे पहले अपनी सैलरी से यूनिफॉर्म की व्यवस्था की, स्कूल के लिए फर्नीचर बनवाया, फिर एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया। इस बदलाव की शुरुआत इन्होंने अपनी सैलरी के पैसे से की, खुद मजदूरों की तरह काम किया। इनका जज्बा देखकर धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे और सहयोग मिलने लगा। उसमें एक्चुअली सबसे बड़ा सहयोग कामली खंड शिक्षा अधिकारी और श्री अर्जुन सिंह सिंगर जी से संबंधित है, और यहाँ पे LPRCM श्री मनोज कुमार सिंह, इन लोगों ने प्रेरणा का एक कार्य किया। हमें वहाँ पे एक दो जगह ऐसी जगह ले गए जहाँ पे अच्छी अच्छी सुविधाएं थी,
प्राइवेट विद्यालय ले गए कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, तो उनको दिखा के उन्होंने प्रेरित किया और ये पूरा कार्य मेरे पूरे स्टाफ के द्वारा सहयोग से संभव हो पाया है। अब अभिभावक खुशी खुशी अपने बच्चों को इस सरकारी स्कूल में भेजते हैं। स्कूल के क्लासरूम बच्चों से भरे रहते हैं। खुद जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी भी आशीष द्विवेदी की तारीफ करते नहीं थकते। जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं द्विवेदी जी, इन्होंने निश्चित रूप से ऐसा काम किया है जो और विद्यालयों के लिए अनुकरणीय हो सकता है और मैं चाहूँगा कि ये इनका काम जनपद में प्रत्येक विद्यालय तक पहुँचे, लोग इसके अनुकरण करने की स्थिति में अपने को पाएं। जब शिक्षा विभाग के अफसर इस स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे, उन्होंने मॉडर्न तर्ज पर विकसित हो रहे इस स्कूल को देखा तो देखते ही रह गए। बिना किसी वित्तीय मदद, सरकारी वित्तीय मदद के फर्नीचर को बच्चों को बैठने की व्यवस्था दिया। इन्होंने एक विज्ञान लैब का भी एक निर्माण कराया है और उसमें बिल्कुल इस तरीके से बच्चों को पढ़ाने का किस्म रखा है कि बच्चे सामान्य रूप से बिल्कुल सामान्य ढंग से उसको पढ़ने की स्थिति में होंगे। आशीष द्विवेदी के इस मुहिम ने इलाके में सरकारी स्कूलों को लेकर अभिभावकों का नजरिया बदल कर रख दिया है और अब इन्होंने नौनिहालों की तकदीर बदलने की ठान ली है। दीपक सिंह चौहान, कानपुर देहात, भारत समाचार। तो आपने देखा आज के हमारे रियल हीरो का, और मुझे रात इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है कि सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जी हाँ, अपने ऊपर आप अख्तियार रखिए और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए। जब आप दूसरों के आंखों में अपना भविष्य तलाशते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। हमारे साथ दिक्कत भी यही है कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। हम सोचते हैं ये हमें खुशी देगा, ये हमारा भविष्य तय करेगा, ये हमें आगे बढ़ाएगा, लेकिन होता ये नहीं है। आगे आपको खुद बढ़ना होता है और जब आप आगे खुद बढ़ते हैं तो आपके साथ बहुत सारे फोर्सेस साथ में हो जाती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप सच्चे मन से चलते हैं तो ऊपर वाला खुदा भी आपको चलने की दोगुनी ताकत देता है और यही होता भी है। इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर जो हमें सबको चला रहा है खुदा, उस पर विश्वास रखिए, भगवान उस पर विश्वास रखिए और गॉड पर विश्वास रखिए। छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, लेकिन वही है कि हमेशा हमें लड़ने की सोचनी चाहिए, सैलाबों से आंखें मिलानी चाहिए और तूफानों पर वार भी करना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। और विश्वास वो कला है, विश्वास वो ताकत है, विश्वास वो हिम्मत है, विश्वास वो जरिया है जिसके माध्यम से हम हर तूफान से लड़ सकते हैं। और जब हम लड़ेंगे और जब इन परेशानियों से जीतकर आगे निकलेंगे और जब हमें दिखेगा कि एक सूरज निकला है, शानदार सूरज जो हमारा इस्तकबाल कर रहा है, हमारी जीत का इस्तकबाल कर रहा है, तो हमें खुशी होगी। और खुशी सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं होती है, खुशी उसको भी होती है जो उसके साथ जुड़े होते हैं, उसके साथ जो कारवां होता है वो भी जीतता है। तो उम्मीद ही करते हैं इस विश्वास और अविश्वास की लड़ाई में आप जीतें, और जब आप जीतेंगे तो हमें भी खुशी होगी। और ये कार्यक्रम ही इसलिए है कि हर एक के अंदर एक चिंगारी है, उस चिंगारी को एक बड़ी सी आग बनाना है और वो आग हिम्मत की होगी, किसी को दूसरे को जलाने की नहीं होगी, और ये आग जलानी है। और जब ये आग जल जाएगी तो सब तरफ अपने आप रोशनी हो जाएगी, आप खुद भी रोशन होंगे और समाज को भी रोशन करेंगे। मेरे इस कार्यक्रम के बारे में आपको अगर कोई फीडबैक देना है तो फेसबुक, ट्विटर और जीमेल, ये तीनों एड्रेसेस नीचे आप देख सकते हैं स्क्रॉल पर, वहाँ पर मुझे अपने सुझाव मुद्दे भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी शामिल करें। अब मेरे पास कई फीडबैक आ रहे हैं और उनको हम लोग अब बारी बारी से देख रहे हैं कि कहाँ पे हम जाके सत्यमेव जयते की टीम जाके उन दिक्कतों को
पूरी कर सकती है, ख़त्म कर सकती है और प्रशासन से ये बता सकती है कि इस जगह ये दिक्कत है। नमस्कार। सत्य में विजय दे, सत्य में विजय दे।